नमस्कार सभी दोस्तों को, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन तोमर। दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपनी जो ब्लॉग की शुरुआत है वो शुरू करते हैं हमारे देश के जो भी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, आज उनके बारे में ही बात करेंगे इस ब्लॉग में। क्योंकि दोस्तों, जो हमारे देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके अंदर काफ़ी ही खूबियाँ हैं। वही खूबियाँ मैं आप लोगों के सामने अभी अपने ब्लॉग के माध्यम से पेश करूंगा। और दूसरा दोस्तों, इनके नाम कुछ रिकॉर्ड होने जा रहे हैं अब, एक पहले आज़ाद देश की पहली आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है, तो बहुत सारे रिकॉर्ड उनके नाम होने जा रहे हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। और दूसरा दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किया है, तो उसी स्ट्रगल वाली लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो बने रहें मेरे ब्लॉग में, शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्जुन तोमर पहाड़ी। तो करते हैं आज इस ब्लॉग की शुरुआत। दोस्तों, अगर मुर्मू द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो उनका जो एजुकेशन है, उन्हें अपने जो अपना उड़ीसा की रहने वाली है, उड़ीसा में एक छोटे से परिवार में पैदा हुई है और उसी एक एसटी समाज से, आदिवासी समाज से उनका ताल्लुक है। तो उन्होंने अपने शिक्षा के लिए वो पहली महिला बनी जो अपना गांव समाज छोड़ के एक शहर की ओर एजुकेशन लेने के लिए गई। जब उनकी एजुकेशन हुई तो फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उनके पास दो बच्चे और एक बेटी हुई। दोस्तों, जो उनके ऊपर काफ़ी विपत्तियाँ आई, उनका एक बेटा पहला एक्सपायर हो गया, फिर उसके चार साल बाद फिर दूसरा एक्सपायर हो गया। दोस्तों, उनके ऊपर एक से एक विपत्तियाँ आई। जब पहला बेटा एक्सपायर हुआ तो उस टाइम पे वो काफ़ी शोक में चली गई, उन्हें काफ़ी दुख हुआ। तो दोस्तों, उस बाद उन्होंने ब्रह्म कुमारी मिशन से जुड़ी और अपने आध्यात्म ध्यान की ओर चल पड़ी। दोस्तों, जब उनका पहला बेटा गुजरा तो उसके ठीक चार साल बाद उनको खबर आई कि उनका बेटा भी एक एक्सीडेंट में उस दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो उस शोक में जो उनके पिता है, बेटे के पिता है, वो काफ़ी दुखी हुए। तो एक साल बाद उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तो मुर्मू जी के ऊपर एक से एक विपत्तियाँ आती रही। दोस्तों, उनकी जो अगर करियर की बात की जाए तो मुर्मू जी की शुरुआती जॉब सबसे पहले वो एक क्लर्क के रूप में उन्होंने काम किया, और क्लर्क के बाद उन्होंने कुछ साल बाद अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर उन्होंने काम किया। दोस्तों, प्रोफेसर के बाद उन्होंने शुरुआत किया अपना राजनीति जीवन। राजनीति जीवन में सबसे पहले वो दोस्तों एक पार्षद रही, और पार्षद के बाद वो दोस्तों अपने करियर में, इसमें राजनीति करियर में एक से बढ़कर एक आगे बढ़ती गई। लोगों का विश्वास उनके ऊपर बढ़ता गया, उनके काम बोलते गए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, वो दो बार MLA रही, उसके बाद फिर मंत्री रही और फिर राज्यपाल तक रही, और आज दोस्तों वो राष्ट्रपति पद पर बैठने वाली हैं और राष्ट्रपति, हमारे देश की राष्ट्रपति बनने वाली हैं। दोस्तों, मुर्मू जी ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, वो एक काफ़ी एक डाउन से एक टॉप लेवल तक गई है। उनके परिवार में कोई भी राजनीति से संबंध रखने वाला नहीं था। जैसा दोस्तों होता है कि जो भी राजनीति परिवार में रहता है तो पहले उनका पिता MLA MP मंत्री रहता है, उसके बाद उसके उनके बेटे भी उसी फील्ड में चल पड़ते हैं, कि कभी उसका बेटा भी फिर मंत्री MLA चुनाव लड़ना चालू कर देता है। लेकिन मुर्मू जी एक बिल्कुल ही अलग विचारों वाली है, अलग परिवार से है, तो उन्हें वैसी कोई भी सपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने जो भी किया है अपने दम पे किया है, और इतनी परिस्थितियां होने के बाद भी, कठिन परिस्थितियां होने के बाद भी उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा है, और फिर भी एक आज ऐसे मुकाम पे पहुंची है जहां पे दोस्तों हर कोई आदमी नहीं पहुँच पाता है उस मुकाम पर। दोस्तों, अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में, कि इनके नाम कौन कौन से रिकॉर्ड होने वाले हैं। तो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की, आज़ाद देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, जिन्होंने आज़ाद देश में जन्म लिया है और वो आज़ाद देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, जिनकी उम्र लगभग अभी जब शपथ लेगी तो 64 साल के आसपास उनकी उम्र होगी। वो सबसे यंग राष्ट्रपति बनने जा रही है, ये दूसरा रिकॉर्ड उनके नाम होने वाला है। क्योंकि मुर्मू जी की उम्र कम है तो उस वजह से वो एक युवा राष्ट्रपति भी बनने वाली है।
और अगर तीसरे रिकॉर्ड की बात करें तो मुर्मू के नाम आदिवासी समाज से पहली महिला राष्ट्रपति बनने वाली है, और दूसरा आदिवासी समाज से आज तक कोई भी राष्ट्रपति नहीं बना है, ये भी उनके नाम ये रिकॉर्ड भी होने वाला है। दोस्तों, उड़ीसा की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनने वाली है द्रौपदी मुर्मू जी, ये रिकॉर्ड भी उनके नाम होता है। भाइयों, मेरे और मेरे चैनल के तरफ से, अर्जुन तोमर पहाड़ी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और दोस्तों, जो भी भाई अभी मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अर्जुन तोमर पहाड़ी।